जमात इस्लामी की जानिब से शहर भर में के इलेक्ट्रिक के बिलों में केएमसी यूटिलिटी टैक्स और टीवी लाइसेंस फीस समेत दीगर टैक्सों और फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर इजाफी वसूलियों के खिलाफ अवामी रिफंडम के सिलसिले में मुहिम चलाई गई। ये मामला सिंध हाई कोर्ट तक जा पहुंचा, जिस पर सिंध हाई कोर्ट में के इलेक्ट्रिक के जरिए केएमसी टैक्स वसूली का मामले पर समाअत हुई। जमात इस्लामी की जानिब से दरख्वास्त जमा कराई गई, जिस पर अदालत ने फौरी समाअत से मुतालिक दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। किसी के चार्जेस भी बिलों में लगा कर दे दिए हैं, ये किसी सूरत भी काबिले कबूल नहीं है। जमात इस्लामी इस वक्त हाई कोर्ट में मौजूद है, एक तरफ एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर जो लूटमार है और करप्शन है, इसको बेनकाब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से उस्मान फारूक एडवोकेट अदालत में पेश हुए। उस्मान फारूक एडवोकेट ने अदालत ने केएमसी से टैक्स से मुतालिक हुक्म इम्तनाई दिया, चाहते हैं हमारे मौकूफ को भी आज सुना जाए और ये भी चाहते हैं कि 10 अक्टूबर से कबल हमारे दरख्वास्त पर भी नोटिस हो जाए। अदालत ने हाफिज नईमुर रहमान की फौरी समाअत से मुतालिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। कैमरामैन टीम के साथ मैं नूर, पलक न्यूज़, कराची।